Dear students, this video I am recording for those jinka exam cancel ho gaya hai. Like majorly I am talking about my CM1, CM2, CS1 and CS2 students jinka exam cancel ho gaya hai for April attempt. Like I know abhi aap logo ko lag raha hoga itna padhai kiye term waste ho gaya, but ye sab aapke dimag mein hai. Like agar aap log ek aur major paper ko start karte hain, like मैंने बहुत सारे options दिए हैं. Like for example, अगर आपने CM1 as your first paper choose किया है and आपका CS1 पहले नहीं हुआ है, अगर आपने CM1 as a first paper choose किया है and आपका CS1 पहले नहीं हुआ है, then you take CM1 plus CS1 in your September attempt. अगर आपका पहले CS1 किया हुआ है, CS1 डन, तब आप CM1 प्लस CM2 करो फॉर सितंबर. अगर आप CS1 के लिए पढ़े थे अप्रैल में एंड CS1 आपका फर्स्ट पेपर है, तब आपको जाना चाहिए अगेन CS1 प्लस CM1. अगर आपका पहले CM1 हो गया एंड CS1 इज योर सेकेंड पेपर, देन यू शुड गो फॉर CS1 प्लस CM2. अगर आपका CM2 था एंड CM2 मान लेते हैं कि CM2 के पहले आपने CS1 एंड CM1 कर लिया है, अगर CM2 के पहले आपने CS1 और CM1 कर लिया है, देन लाइक CM2 आपका हो गया, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि CS2 प्लस CM2 इस टर्म में दिया जाए. क्यों? क्योंकि लाइक CS2 और जो CM2 है, इनका डेट्स अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा है, 29, 30, 1 and 5. ये सारे डेट्स हैं. लाइक 29 और 30 को है आपका CS2 एंड 1 और 5 को है आपका CM2. तो जो लोग भी CM2 इस टर्म के लिए पढ़े थे, लाइक उनका पहले दो पेपर हो गया है, तो उनको CM2 और CS2 साथ में नहीं देना चाहिए. CM2 और CS2 साथ में सिर्फ वही देंगे जिनका दोनों का पढ़ाई हो चुका है. दोनों का पढ़ाई कैसे हो चुका होगा? या तो मान लो ये टर्म वो लोग CS2 पढ़ रहे थे एंड उनका पहले CM2 पढ़ा हुआ है, लाइक उनका क्लियर नहीं हुआ या फिर कुछ वैसा, तो सितंबर अटेम्प्ट में सिर्फ आई विल एडवाइज उन लोगों को CS2 प्लस CM2 जिन लोगों का एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम या फिर इन द कमिंग 15 डेज CS2 और CM2 दोनों हो चुका है. तो अगर मान लो आप CM2 कर रहे हैं, तो आप CS2 इस टर्म पढ़ के CS2 और CM2 दोनों मत दो. अगर आप इस टर्म में CM2 पढ़ा है आपने, तो आप एक काम करिए, आप CM2 के साथ में यू कैन टेक अप द लाइटर पेपर्स CB1 एंड CB2. आप CM2 के साथ में ये जो लाइटर पेपर्स हैं CB1 एंड CB2 को आप ले सकते हो. एंड सेम गोज फॉर CS2 कैंडिडेट्स. लाइक जो लोग ने CS2 देने के पहले अज्यूमिंग कि आपका या तो CM1 CS1 क्लियर है या फिर आपका CM1 CS1 एंड CS2 क्लियर है, लाइक CS2 आइदर कैन बी योर थर्ड पेपर और इट कैन बी योर फोर्थ पेपर, तो CS2 के संग में भी आई वुड रिकमेंड आप CM2 नया आपकी बार मत पढ़िए, आप CB1 और CB2 पढ़िए. आप CB1 और CB2 पढ़िए. सो ये सारे कुछ कॉम्बिनेशंस है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं. लाइक एक और इसमें बनता है, लाइक अगर मान लेते हैं कि आपने CM1, ये वाला मैंने बताया है क्या शायद, लाइक अगर मान लेते हैं कि आपने CM1 इस टर्म पढ़ा है, स्टडीड फॉर CM1 एंड आपका पहले CS1 क्लियर है, देन यू शुड गो फॉर
CM1 एंड CM2. द रीजन बीइंग दोनों में एक्सेल रहेगा, आपको सिनर्जी काफी अच्छा मिलेगा एंड गैप भी काफी ज्यादा है. लाइक CM1 के एग्जाम में एंड CM2 के एग्जाम में गैप काफी अच्छा है. तो अगर आप इस टर्म CM1 के लिए पढ़ रहे हैं एंड आपका पहले CS1 क्लियर है, देन आई थिंक दैट यू शुड गो फॉर CM1 एंड CM2 फॉर योर सेप्टेम्बर अटेम्प्ट. I would not recommend CS2 plus CM2 this term, and I am recommending only to those students jinka pehle, like is moment ka agar main baat karu to kabhi na kabhi aapne CM2 aur CS2 pura pad rakha hai. Like this 6 months of time mein aap kuch naya mat padhna, fir aap bas khali usi content ko acche se revise karke, questions practice karke, aapke jo weak areas hai, like is moment mein, is point of time mein aapka ye dono 80% हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपको पूरा चीज याद होगा, बट आपका 80% हो जाना चाहिए, तभी यू गो फॉर CM2 और CS2. बिकॉज नहीं तो आप डेट्स अगर आप देखोगे, इफ द सेप्टेंबर एग्जाम्स गो एज प्लान्ड, तो डेट्स में आपको बहुत दिक्कत होंगी. इट्स 29th, 30th, 1st एंड 5th. नाउ यहां पर मैंने जो मेजर पेपर्स का बनाया है, इसमें बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टफ है. हां, हल्का टफ तो हो जाएगा, बट क्या 6 महीना वेस्ट कर देंगे पूरा? अगर आपको ये बहुत ज्यादा ही टफ लगता है, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, देन जो भी सेकेंड मैंने आपको मेजर पेपर सजेस्ट किया है, आप उसके बदले CB1 एंड CB2 दो. बट मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप लोग प्लीज जैसा मैंने बताया है आप लोग उसी तरीके से करें. लाइक मैं आपको फिर से एक बार लिख के दिखाता हूं इन समरी. अगर आपका CS1 फर्स्ट पेपर था, देन यू गो फॉर CS1 प्लस CM1. अगर आपका CS1 सेकेंड पेपर था एंड अज्यूमिंग कि आपने CM1 क्लियर कर लिया है, अज्यूमिंग कि आपने CM1 क्लियर कर लिया है, देन यू गो फॉर CS1 एंड CM2. अगेन अगर आपको लगता है कि आपसे एक मेजर पेपर नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आप उस मेजर पेपर को CB1 और CB2 से रिप्लेस कर सकते हैं. ये आपका मैं चॉइस देता हूं आपको. मैं स्टडी आवर्स का भी बात करूंगा इसी वीडियो में. तो दिस इज फॉर CS1. नाउ फॉर माय CM1 स्टूडेंट्स, अगर CM1 आपका फर्स्ट पेपर था, देन यू शुड गो फॉर CM1 एंड CS1. अगर जैसे CM1 और CS1 में अगर आप देखोगे, इसमें भी हल्का डेट्स का प्रॉब्लम है, बट CM2 CS2 जितना टफ नहीं होगा. लाइक अगर आप देखोगे तो CM1 पहले है, फिर एक दिन का गैप है, फिर CS1 है. तो वो अगर आप रिग्रेस प्रैक्टिस करते हैं तो आपका हो जाएगा. यू शुड स्टार्ट विथ CS1 एंड यू शुड गिव CM1 एंड CS1 बोथ इन द सेप्टेंबर अटेम्प्ट. अगर आपका CM1 सेकेंड पेपर है, देन ऑब्वियसली आपने पहले CS1 क्लियर कर रखा होगा, देन यू शुड गो फॉर CM1 एंड CM2. देन यू शुड गो फॉर CM1 एंड CM2. अच्छा, CS1 के साथ में मेरे को और भी बहुत सारा क्वेरीज आ रहा है कि क्या सर CS1, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या सर CS1 एंड CS2 साथ में दिया जा सकता है. दिया जा सकता है, इन दोनों में ही आर प्रोग्रामिंग है, बट ये आपके कैपेबिलिटी के ऊपर में है कि आपको फाइनेंस पढ़ना है कि आपको और स्टैट्स पढ़ना है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं. लाइक CS1 के संग CS2 भी दे सकते हैं और CM2 भी दे सकते हैं. तो ये आपके ऊपर में कि आपको और ज्यादा स्टैट्स पढ़ना है कि आपको फाइनेंस के टूवर्ड्स में हल्का ब्रेक लेके फाइनेंस के टूवर्ड्स मूव करना है.
लाइक माय सजेशन इज, माय टेक इज, आप एक तरफ स्टैट्स पढ़ो और आप एक तरफ फाइनेंस पढ़ो, तो आपका क्या होता है, एक मिक्स बना हुआ रहता है. तो ये चीज आप कर सकते हैं. एंड मैं CM1 के संग में CS2 कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी दो पेपर का मिक्सचर है और ये भी दो पेपर का मिक्सचर है. तो ये मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा. तो दिस इज अ बिग नो. बट हां, यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर मेरा जो टेक है 50-50 है कि आप CS1 के संग में CM2 भी दे सकते हो और CS2 भी दे सकते हो. बट एक टाइम पे जाके क्या होगा कि बहुत ज्यादा स्टैट्स हो जाएगा, लाइक पूरा स्टैट्स स्टैट्स एंड स्टैट्स. बट हाँ, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि हाँ सर, एक बार एक फ्लो में खत्म हो जाएगा, तो वो बात भी सही है. तो आप CS1 के संग में CM2 भी दे सकते हो और आप CS2 भी दे सकते हो. ठीक है, ओके. अगेन यहां पर मैं आपके पास ऑप्शन देता हूं कि आप CB1 और CB2 से रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी जो मेजर पेपर, अगर आपको देने का मन नहीं है. मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगा कि CB1 पढ़ने में कितना टाइम लगता है, विद कोचिंग विदाउट कोचिंग, मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में. उसके बाद में अगर आप लोग CS2 के कैंडिडेट्स हैं, तो मैं अज्यूम करता हूं कि CS2 या तो आपका थर्ड पेपर होगा या फिर आपका फोर्थ पेपर होगा. सर, मैंने पहले CB1 CB2 दे रखा है, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मेजर पेपर्स का बात कर रहा हूं, CM1 CM2 CS1 एंड CS2. तो अगर CS2 या तो आपका थर्ड हो सकता है या फिर आपका फोर्थ हो सकता है. सो अगर CS2 आपका थर्ड पेपर है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपका CM2 क्लियर नहीं हुआ है. मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि अभी आप CM2 का पढ़ाई स्टार्ट करके आप CS2 और CM2 दोनों दो. इसका एक रीजन है कि जो डेट्स है ना, 29, 31 और 5, आपका पूरा माइंड ब्लॉक हो जाएगा. एंड CS2 और CM2 जैसे हैवी पेपर्स को पढ़ने के लिए हल्का टाइम डिवोट आपको करना पड़ेगा. तो अगर CS2 आपका थर्ड पेपर है, तो यू गो फॉर CB1 एंड CB2. अगेन, मेरे को बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि वी विल स्टडी वेरी नाइसली, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ये आपका पर्सनल कॉल है, बट माय टेक इज यू शुड एनरोल फॉर CB1 एंड CB2. एंड अलॉन्ग विद दैट, आप कुछ सॉफ्ट स्किल्स पे काम करो. सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि आपका एक्सेल हो गया, फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया, VBA, SAS, पाइथन, SQL, ये सब पे आप फोकस करो. थोड़ा मशीन लर्निंग, ये सब पे आप फोकस करो. और अगर CS2 आपका फोर्थ पेपर है, देन तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं, आपको CB1, CB2 ही देना है. और अगर आपका ये दोनों भी हो गया है, देन यू शुड इंप्रूव योर सॉफ्ट स्किल्स एंड आपको अपना जॉब का जो है तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, स्टार्ट रिवाइजिंग द कंटेंट. या फिर आप कोई एडिशनल कोर्स के लिए भी प्लान कर सकते हो. यू कैन प्लान योर FRM, यू कैन प्लान योर CFA प्रोग्राम. सो फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन पर्सनल चैट. अगर CM2 का मैं बात करूं, तो सेम एडवाइस, पूरा सेम एडवाइस रहेगा. मैं नहीं चाहता हूं कि आप CM2 और CS2 एक साथ सेप्टेंबर में दो. आई डोंट वॉन्ट दिस. तो अगर आप CM2 करते हो, तो सेम चीज, अगर थर्ड पेपर है तो आप CB1 CB2 देना एंड फिर आप CS2 नेक्स्ट टर्म देना. ऐसे मत करना कि इस टर्म पढ़ लेते हैं फिर नेक्स्ट टर्म देख लेंगे, बट ये सब में मत जाइएगा. क्योंकि क्या होता है, आपका पढ़ने का एक इच्छा होता है, एक चाह होता है. आप 6 मंथ्स पढ़ोगे CM2 या फिर CS2 के लिए, इट्स मोर देन इनफ. आपको ऐसा इतना हड़बड़ी नहीं करना है, लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है कि मतलब पहले पढ़ लेते हैं इस टर्म में, चलो टाइम है पढ़ लेते हैं, फिर बाद में इस टर्म में CB1 CB2 देंगे, फिर उसके बाद में हम लोग CS2 दें, वैसे मत करिएगा. तो ये सेम एडवाइस मैं दूंगा फॉर CM2. अगेन मैं यहां पर बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आपको CS1 और CM1 या फिर मैंने यहां पर जो बोला है, ये सब आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, देन यू टेक द लाइटर पेपर्स. ये सबका पर्सनल कॉल है. बट सिंस 6 मंथ्स ऑफ टाइम इज देयर, आई वुड नॉट रिकमेंड anyone टू वेस्ट योर टाइम. जबकि पहले आप कॉलेज भी जाते थे, आपका एग्जाम भी होता था, बट अभी आपको पूरा दिन घर पे रहना है. आई एम अज्यूमिंग कि हर कॉलेज के स्टूडेंट का जून तक पूरा ऑफ है, बस खाली 15 डेज उसका बीच में एग्जामिनेशन होगा. आई एम हैविंग अ 2.5 मंथ्स प्रोग्राम फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स
And for all outsiders, those who are planning two major papers in September, 2.5 months program, क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, सब I will discuss in that. So this is my combination वाला video, जैसे मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे. इसमें एक चीज है कि आपको लगता है कि ये सब आपसे नहीं हो, ये सब मेरा टेक है, अगर मैं होता तो मैं ये करता. अगर आपको लगता है कि आपसे ये सब नहीं हो पाएगा, देन आपका पर्सनल कॉल है कि आप लाइटर पेपर दो, या फिर आप सेम पेपर पढ़ो, या फिर आप अपने, जैसे यहां पर मान लो आपको लगता है कि नहीं भैया मैं CS1 और CM2 जितना प्रेशर नहीं ले पाएंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, तो आप अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करो, आप CB1 CB2 पढ़ो, ये आपका पर्सनल कॉल है. बट ये एकदम बेस्ट केस सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है. मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर गया, मेरे को देखने दो एक बार. CM1 के साथ में CM2, ठीक है. तो ये मेरा जो एडवाइस है, इसके बाद में लेट अस डिस्कस द आवर्स. लाइक CM1 का अगर मैं बात करूं, CS1 अगर मैं CM1 का बात करूं तो CM1 लाइक हमारा जो क्लासरूम कोचिंग है दैट्स अप्रोक्सीमेटली 200 टू 220 आवर्स एक बार पढ़ने में आपको लगता है, एक बार पढ़ने में आपको इतना टाइम लगता है. लाइक अगर आप अपर एंड मान के चलेंगे तो 250 आवर्स फॉर CM1. CS1 का अगर मैं बात करूं तो CS1 पढ़ने में आपको लगेगा 200 आवर्स एक बार सब कुछ अच्छे से, एक बार सब कुछ अच्छे से पढ़ने के लिए आपको चाहिए 200 आवर्स. CM1 एक बार सब कुछ अच्छे से करने के लिए आपको चाहिए 250 आवर्स. CM2 अगेन 200 आवर्स. CS2 अगेन आई वुड रिकमेंड यू 250 आवर्स. CB1 में आपको लगेगा 100 आवर्स, CB2 में लगेगा आपको 100 आवर्स. तो ये पूरा प्रोग्राम है. तो जैसे बहुत लोग को ये लगता है कि यार CB1 CB2 देंगे तो हल्का प्रेशर इजी होगा, ऐसा नहीं है. आप पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम ही करते हो, बट आपके मन में एक वहम है कि दो बड़ा पेपर एक साथ नहीं देंगे. ये आपका कॉल है, मैं कुछ नहीं बोल रहा. तो दिस इज द आवर्स. लाइक अगर आप कोई भी, लाइक वी प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर ऑल दीज पेपर्स, या फिर आप सेल्फ में भी पढ़ते हैं तो सेल्फ में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है. तो ये ऑप्टिमम टाइम ऑफ स्टडी है कि CM1 के लिए 250 घंटा. लाइक अब आप डिवाइड कर लो, लाइक हम लोग अभी क्या करने वाले, वी विल स्टार्ट विद अ 2.5 मंथ्स प्रोग्राम जून एंड तक. लाइक अगर मान लो हम लोग स्टार्ट करते हैं आने वाले एक दो दिन में, तो जून एंड तक का टारगेट लेके चलते हैं कि 15 दिन कॉलेज एग्जाम में जाएगा उसको हटा देते हैं. और तो अभी कोई काम नहीं है जून एंड तक, कोई काम नहीं है जून एंड तक. तो 2.5 मंथ्स का जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें आपको मिलेंगे रफली 75 डेज. एम आई करेक्ट? आपको रफली मिलेंगे 75 डेज. मैं आपको दिखा देता हूं. एंड ये लाइक डिपेंड करता है टीचर टू टीचर एंड पर्सन टू पर्सन. ये मैंने आपको ऑप्टिमम बताया है कि इतना टाइम लगता है. लेकिन अगर आप हमसे CS1 करते तो 200 घंटा में CS1 वी डू एकदम नाइसली, एकदम अच्छे, सब कुछ एक बार कवर करने के लिए. तो 75 डेज प्रोग्राम जो हम लोग ले रहे हैं उसमें आई वुड जस्ट रिकमेंड, हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट जाएगा, डेली अपडेट्स जाएंगे कि आज हम लोग को इतना से इतना करना है. विल बी ऑल्सो अपलोडिंग ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स. आप लोग को लिंक शेयर हो जाएगा, आप लोग लाइव ज्वाइन कर सकते हो. आप लोग के डाउट्स जो है वो भी लाइव लिए जाएंगे ऑनलाइन थ्रू फोन, थ्रू यूट्यूब एंड देर आर अदर एप्स एज वेल. एंड आपको घर से नहीं निकलना है. आई होप दिस सिचुएशन एंड्स, बट अज्यूमिंग कि आप घर पे हो तो पूरा चीज को आप घर से ही एक्सेस कर सकते हो.
जैसे हमारे को अभी अप्रैल 15 तक पता चलेगा कि आगे का क्या सिनेरियो है. अगर सब ठीक हो जाता देन तो हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे एंड वी विल बी डूइंग दिस मोड एज वेल. तो ये 75 डेज का जो प्रोग्राम है इसमें वी टारगेट टू कंप्लीट, इसमें वी टारगेट टू कंप्लीट एंड देन रिविजन. आप देखो आप इनमें से कुछ भी चूज करो, आप इनमें से कुछ भी चूज करो, इनमें से कुछ भी आप चूज करो, मैं आपको सिर्फ ये बोलता हूं आपको सिर्फ हर रोज 4 से 5 आवर्स लोअर एंड एंड 9 to 10 आवर्स अपर एंड स्टडी करना है. क्या करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग विल बी अपडेटेड इन द ग्रुप. क्या करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग विल बी अपडेटेड इन द ग्रुप. ये जो प्रोग्राम बनाया है इसको यही देख के बनाया है कि आपका एक पेपर ऑलरेडी हो चुका है एंड एक पेपर के लिए आपको और तैयार करना है ताकि आप दोनों पेपर सेप्टेंबर में क्लियर कर पाए. तो अगर आप देखेंगे, अगर आप 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका कितना हो जाता है, इट कम्स टू मोर देन 350 आवर्स. आप देख पा रहे हैं अप्रैल मई जून 90 डेज आर देयर, मैंने 15 डेज एग्जाम के लिए हटा दिया, मैंने 15 डेज एग्जाम के लिए हटा दिया है, फिर भी आप देखो कि आपके पास कितना टाइम बच रहा है. जैसे साले आप ये देखो कि आपके पास कितना टाइम बच रहा है, आप ये देख सकते हैं कि 250 आवर्स, 200 आवर्स, 200 आवर्स, 250 आवर्स, 100, लाइक आप देखो, आप खुद देखो कि अगर आप हर दिन 5 घंटा पढ़ते हैं, मैंने आपको लोअर एंड बताया लेकिन एक दिन में 5 घंटा नहीं पढ़ोगे, आप उससे ज्यादा ही पढ़ोगे. कॉन्स्टेंटली ग्रुप में मैसेजेस जाएंगे, वीडियोस जाएंगे, तो आपका एक पढ़ने का एक वो एनवायरमेंट बनेगा. हम लोग लाइव तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बट हाँ वर्चुअली वी विल बी कनेक्टेड थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ सोशल मीडिया. तो अगर आप लोअर एंड पे भी पढ़ाई करते हैं तो आप देखो कि आपका क्या नहीं हो रहा है 3 महीना में कंप्लीट. इज इट दैट डिफिकल्ट, इज इट दैट डिफिकल्ट. अगर आप खाली लोअर एंड 5 घंटा भी मान के चलते हो देन इट इज 350 आवर्स प्लस. हाँ भैया कोई दिन आपका 7 घंटा भी होगा तो कोई दिन आपका 4 घंटा भी होगा, कोई दिन आप 8 घंटा पढ़ोगे तो कोई दिन आप 5 घंटा पढ़ोगे. तो मैंने एकदम लोअर एंड बोला है कि एक दिन में आपको ऑप्टिमम 5 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए. तो दिस इज अवर प्रोग्राम, लाइक ये प्रोग्राम वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द कमिंग 2-3 डेज. सो अगर आपको लगता है कि आपने एक पेपर कर लिया है चाहे हमारे से चाहे कहीं से, सो यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम, यू कैन मेक योर चॉइस एंड किस तरीके का पैटर्न होना चाहिए वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ये ऑप्टिमम है. लेकिन हाँ ये मेरा है नहीं है कि मैं बोल ही रहा हूँ करने, आपका मन है कि अगर आपको लगता है कि आपसे हो पाएगा तो आप करो, बट हाँ इट इज ईजिली डूएबल. ऑब्वियस सा बात है एक पेपर से ज्यादा प्रेशर तो होगा बट इट इज वर्थ इट. लाइक माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 9 कर सकते हैं इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स. लाइक आवर टारगेट इज कि जून एंड तक, जब तक आपका कॉलेज नहीं खुले, जैसे कैलकटा में सारे कॉलेज जुलाई में खुल जाते हैं, डीयू के सारे कॉलेज अगस्त में खुल जाते हैं, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट जून एंड तक तो आपको अभी कोई भी काम नहीं है. और आप देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप खुद देखो. एक बात आपसे और शेयर करता हूं, ये तो ठीक है ये तो हो गया, मान लेते हैं कि आप बोलते हो नहीं भैया हम पुराना वाला ही पेपर देंगे, उसको अच्छे से पढ़ के देंगे. मैं आपको सिर्फ एक बात शेयर करना और पूछना भी चाहता हूं, आप मुझे कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो में कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा आपके व्यूज. 1 साल 2 साल के बाद में आपका जॉब लग जाएगा, 1 साल 2 साल के बाद में आपका जॉब लग जाएगा, उस समय 10 घंटे का आपका काम होगा, 10 से 7 आपका 10 घंटे का काम होता है, 8 से 10 घंटे का आपका काम होता है,
उस समय भी मान लेते हैं कि आपके 7 पेपर क्लियर है, तब तक आपको 6-7 पेपर और देना है, तो आप उस समय कैसे पढ़ाई करेंगे? मेरे को सिर्फ ये जानना है, क्या उस समय आपको ये मौका मिलेगा पूरा पूरा दिन घर पे बैठ के पढ़ने का? क्या उस समय आपको ये मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो प्लीज अपने ये, आप आगे होना चाहते हो लाइफ में क्या पीछे होना चाहते हो, ये आपका कॉल है। बट हां, आप बस खाली मुझे इसका जवाब दे देना कि एक टाइम पे जब आप 8 घंटे काम कर रहे होंगे, उसके बाद में आपको जब CP1, उसके बाद में आपको जब CP1 ST SP और SA लेवल के पेपर्स देने होंगे, तो आप कैसे, उसका अप्रोच क्या होगा आपका, आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे? उस समय भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। दैट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हो। इतना दिन हो गया आप लोगों को घर पे, आप लोग बोल रहे हो ना कि भैया हम लोग से नहीं हो पाएगा, सच सच कमेंट में टाइप कर देना, मेरे सारे स्टूडेंट्स कमेंट में टाइप कर देना कि कितने दिन पढ़े हो, कितने दिन पढ़े हो। सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, कितने दिन पढ़े हैं आप लोग सब? कमेंट में टाइप कीजिएगा, 2 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा। क्या कोई है जिसने पूरे लॉकडाउन में अभी तक कंटिन्यूअसली 7 घंटा पढ़ाई किया है? तो कमेंट में टाइप कीजिएगा। तो दिस ऑल डिपेंड्स, इट्स ऑल इन योर माइंड। यू आर जस्ट थिंकिंग कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, यू आर जस्ट सिंपली वेस्टिंग योर टाइम, दैट शुड नॉट बी डन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही कोर्स को प्लान करो, आप कोई और कोर्स भी प्लान करते हो कर सकते हो, उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। बट दिस 75 डेज प्रोग्राम विल श्योरली बेनिफिट यू ऑल, ट्रस्ट मी। एंड वॉट वी प्लान इज जून एंड तक वी कंप्लीट एवरीथिंग विद डाउट्स। एंड ये प्लान इसी तरीके से बनाया गया है कि आपके पास पहले एक और पेपर था या फिर नहीं था। अगर था तो स्ट्रैटेजी वैसे ही बनाया जाएगा आपके लिए, और अगर नहीं था तो स्ट्रैटेजी वैसे ही बनाया जाएगा, क्योंकि उसको आप पूरा ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, आपको उसको भी धीरे धीरे हल्का हल्का पढ़ना पड़ेगा ताकि आप भूल ना जाओ। जो कॉपी में जो नोट्स बनाया है टीचर का, उसको आपको हल्का हल्का रिवाइज करना पड़ेगा। तो वो जो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए पढ़ने का, दैट ऑल्सो विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप। वी हैव मेड द ग्रुप्स। एंड वन मोर थिंग, लाइक IFoA का 31 मार्च का अपडेट का बार वेट करेंगे, 31 मार्च का अपडेट का बार वेट करेंगे, एंड 1 अप्रैल से अपने स्टार्ट कर देंगे। 1 अप्रैल से अपने स्टार्ट कर देंगे कि उसमें इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, कि हाँ सही में क्या पूरा एग्जाम सितंबर में होगा ना, 1 महीना 2 महीना बाद होगा। अगर एग्जाम 2 महीना बाद होता है तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि उसमें कैसे करना है, तब ये प्लान मेरा काम नहीं करेगा, ये जो प्लान है ये मेरा काम नहीं करेगा। बट हाँ, एक बार आज अपना तारीख हो गया है 28th सैटरडे, तो एक बार स्टार्ट तो अपने इसी प्लान से करेंगे, बट एक बार IFoA के उस अपडेट पे मेरा नजर है, टू बी 100% श्योर एंड मूव फॉरवर्ड विद दिस प्रोग्राम ऑफ आवर्स ऑफ 75-day प्रोग्राम। सो IFoA का 31 मार्च का अपडेट कि एग्जाम को 2 महीना बाद करना है, कि एकदम पूरा जैसे उन्होंने उसमें लिख तो दिया ही है कि CM1, CM2, CS1 एंड CS2 के एग्जामिनेशन कैंसल हो गए हैं एंड उनको रिफंड मिल जाएगा। सो इसका मतलब तो यही बनता है कि एग्जामिनेशन सितंबर में ही होगा, अब नेक्स्ट जब भी एग्जाम होगा। तुम्हारा प्लान तो ये तो होना ही है जो प्लान है 75-day प्रोग्राम, बट बस खाली एक बार उसके अपडेट पे बार नजर रखेंगे। एंड जो बच्चों को आज ही से स्टार्ट करना है वो लोग आज से ही इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, और एक बार IFoA का 31 मार्च का अपडेट हम लोग देखेंगे। So this is the combination video which all my students required. Again, it's an earnest request ki agar aapse nahi hoga to please don't think ki I am imposing something. Ye aapka personal call hai ki aap kaise kya karna chahte ho. Every student is different, but this
combinations will definitely help you. So, for further guidance, you can contact me. Thank you.